अल्लाह ने आख्या उन्हें नमाजियां वास्ते हलाकत है जेड़े नमाजा में सुस्ती करते हैं। सुस्ती के अंदर एक ये चीज भी शामिल है, सारी सारी जिंदगी इंसान नमाज पढ़ता रहिंदा, एक दिन एक नमाज विच भी रब दे डर तो दी अख विच अथरू आउंदा ही नहीं, बस पढ़ते रहिंदे ने पढ़ते रहिंदे ने। अगे इमाम हुंदा है कुरान पढ़ता है, और कई मैं बंदे वेखे ने भावें उन्हां दीआं दाड़ियां नहीं हुंदियां या मौलवी नहीं हुंदे, कुरान जिसल इमाम पढ़ते हैं जब अपना घुटते होंगे ने कि मेरे नाल दे नूं पता ना लग जाए कि मेरा दिल जिहड़ा मोम हो गया, मेरी अखां च उथरू पै डिगदे ने। चीज इहदी मिसाल प्यारे नबी ने दी, रूड़ी वाला भी फेल है, और ऐसी जमीन की मिसाल ना उगांदी है ना पानी रोकती है, वह भी फेल है। नबी अलैहि सलातु वस्सलाम ने मिसाल दी, फरमाया कि जमीन है आसमान तो बारिश नाजिल होती है रोक लेंदे ने। जाहिर ते दुनियादार ने उन्हें फिकर है लोगों के सीनियां दे अंदर ईमान चला जाए, असी ते खतीब इमाम नहीं हाफिज कारी नहीं, लोगों के बच्चे हाफिज कारी बन जा, बच्चियां दीनदार बन जा। मेरे भाईओ दोस्तो, नबी अलैहि सलातु वस्सलाम ने इनू अच्छा करार दिता है। दीन की जी गड्डी है ना, ये भी दो टायर ने, एक ताजिर एक आलिम, एक माल वाले एक इलम वाले, और ये चलती रहनी है जे सिरे दोवें एक दूजे नाल तामन करते रहे। मैं देखा जेडे दुनियादार उन्होंने दिल करता ना कि असी मुसलिया मिम्बरां ते चढ़ जाइए, उत्थे भी खराबी पैदा होती है, तो जिन्ना मौलवियों का दिल करता असी ताजर बन जाइए उत्थे भी खराबी पैदा होती है। दोवां सूरतां च आलिम अपने इलम नाल सखावत करे, माल वाला माल दे नाल सखावत करे। और हजरात मैं देखे शहर के अंदर साड़ी अपनी मस्जिद की गल है, कारी साहब एक रखे बड़ी मूँह मंगी उन्होंने तनखाह दी, सुभान अल्लाह नहीं ठीक हो गया, मूँह मंगी तनखाह दी। कुछ ताजर आते सन फजर वक्त, उन्हें आख्या जी कारी साहब सिरे फजर अल कुरान पढ़न रूह राजी हो गए, भावें लख मंगन हम पंजा हजार मंगन भावें एक नमाज पढ़ा दे। कारी साहब आ गए, असी उन्होंने आख्या जी तरावियां जिहड़ियां ना तुसीं उहदी तैयारी शुरू करो। उन्हें आख्या मैं तो आराम आराम ना पढ़ना, असं आख्या बड़ किहड़ा कोई सपारा पढ़ना फर्ज है, तुसीं अद्धा पढ़ा दिया जे रूबू पढ़ा दिया जे, लोग खुश होन राजी हो। एक मालदार पिया उन्हें आख्या मेरा बच्चा कुरान सुनाएगा, सारा साल उन्हें दाढ़ी नहीं रखी, सारा साल मस्जिद के नेड़े नहीं गया, रमजान आया तो माड़ी जी खसखासी दाढ़ी जी उन्हें रख ली। असी आख्या नहीं यार साढ़े कारी साहब ने पढ़ानिया ने, उन्हें आख्या कारी साहब रुपया लख तुहाड़ी खिदमत भी करांगा, कारी साहब नाल ही गले के खंगूड़े मारन, मेरा तो गला ही नहीं सही उस्ताद जी, मैं नहीं पढ़ा सकता। प्यारे नबी अलैहि सलातु वस्सलाम दी मिसाल, फरमाया बेहतरीन सरजमीन, बेहतरीन जमीन का टुकड़ा आसमान तो पानी आउंदा है, पानी जजब कर दी, खेती उगदी है, पानी अपनी जरूरत तो जायद जड़ी खेती है वह अगे तोड़ देती है, खुद भी सरसब्ज़ शादाब, लोगों को भी फायदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी जमीन नू, ऐसे मोमिन आदमी नू बेहतरीन मोमिन करार दिया। और मेरे बेटो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, फरमाया वाइदा दुकिरू भी आया तिरबिहिम लम यखिरू अलैहा सुम्मम व उम्याना। कोई अल्लाह रसूल का नाम लेके गल करे तो अन्ने बोले होके नहीं देख पैना। अज कोई बंदा उठदा सहाबाए किराम दे बारे गल्लां करनियां शुरू कर देंदा है, ये बात याद रखो, नबी अलैहि सलातु वस्सलाम दा हुक्म है अकरिमू असहाबी, मेरे सहाबा दी हमेशा इज्जत करें।